गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अमरिंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं इस क्लास में वो टॉपिक है आपका राज्यपाल। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है राज्यपाल। गवर्नर पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिए, गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में आपको गवर्नर से जरूर प्रश्न, हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर मिल जाता है। तो गवर्नर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो गवर्नर का पद है वो स्टेट के मुखिया के रूप में, राज्यों के मुखिया के रूप में है, किंतु निर्वाचित नहीं है। मतलब इस पद को हम अमेरिकी पद के, अमेरिकी राज्यों के गवर्नर से तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन जहां अमेरिकी राज्यों का जो गवर्नर है वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है, वही हमारा जो राज्यपाल है इसके समकक्ष में इलेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये मनोनीत होता है, नियुक्त होता है कह लें। हमारा जो राष्ट्रपति है वो इसे नियुक्त करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि आज राज्यपाल बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं और अनअकैडमी लगातार आप लोगों को निःशुल्क रूप से लाइव क्लासेज उपलब्ध कराती है, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं। लाइव टेस्ट क्विज अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे डेली आपको लाइव टेस्ट और क्विज आपको देखने को मिलता है, आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक स्ट्रक्चर कोर्स चाहते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू यूपीएससी 2021 या 22 या 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग से अपने कोर्स पूरा करना चाहते हैं, एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर कोर्स की ओर आना चाहिए। अनअकैडमी आपको निःशुल्क क्लासेस के साथ साथ पेड क्लासेस भी उपलब्ध कराता है। और ये जो पेड क्लासेस हैं इस पे दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस कोर्स है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो दो सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप कोई प्लस कोर्स लेते हैं या आइकॉनिक, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल कराता है अनअकैडमी अपने ऐप पे। मतलब टॉप एजुकेटर को आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ किसी एक विषय में भी आपको 10 से ज़्यादा एजुकेटर मिलते हैं, और आपको जिस भी एजुकेटर से समझ में आता है आप उसी फीस में उस एजुकेटर से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक के लिए भी, अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आपको लगता है कि किसी टीचर में कोई टॉपिक बहुत ही अच्छा है आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड एक्सेस आपको अवेलेबल कराता है अनअकैडमी, लेकिन इसके लिए आपको पेड कोर्स पे जाना होता है, प्लस कोर्स या आइकॉनिक। तो प्लस और आइकॉनिक में थोड़ा सा अंतर समझ लें। जो प्लस कोर्स होता है इसमें कुछ चार चीज़ें होती हैं, और आइकॉनिक जो होता है इसमें कुछ आठ चीज़ें होती हैं। तो चार चीज़ों के अंतर्गत लगभग लगभग ये स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाता है, प्रैक्टिस की क्लासेस मिल जाती हैं, सब्जेक्ट आपका मिल जाता है, टॉप एजुकेटर मिल जाते हैं। लेकिन जब आप आइकॉनिक पे जाते हैं तो यहाँ पर पर्सनल फीडबैक आपको मिलने लगता है, आप स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, पर्सनल कोच आपको मिल जा सकता है, और डेली आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस, ये आपको चार चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो आप दोनों में से किसी भी फीस पे जा सकते हैं। आगे हम लोग फीस की बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। प्लस कोर्स थोड़ा कम का है अपेक्षाकृत आइकॉनिक के। देखिए, ये टॉप एजुकेटर हैं, जब भी अनअकैडमी के ऐप पे इनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। ये लॉक तभी खुलेगा जब आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हैं, तभी मिलेगा। देखिए, मेरा नाम अमरिंद्र कुमार पांडे है और मैं विगत 12 वर्षों से यूपीएससी के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के लिए अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ निश्चय इस लखनऊ को भी विगत 12 वर्षों से ही संचालित कर रहा हूँ। मोटिवेटर राइटर के रूप में आप जानते हैं, PSIR थिंकर स्पेशलिस्ट अलग से आप लोगों ने नाम दे दिया है, क्योंकि थिंकर्स कोई नहीं पढ़ाता, और मेरा थिंकर्स पे सबसे ज़्यादा वीडियोज आपको थिंकर्स पे मिलेंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी विथ अमरेंद्र सर इसको डालें, या यूपीएससी PSIR विथ PSIR विथ अमरेंद्र पांडे आप डालेंगे तो यूट्यूब पे आपको 60 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे। मोर देन 90+ स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जिन्होंने मेरे साथ लगकर मेरे सानिध्य में अपनी तैयारी को पूरा किया है, और आज वो अपने सफलता को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं।
है, आप मुझसे उसे जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, यूपीएससी विथ अमरेंद्र सर, ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल पर आप जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, नोट्स मिलता रहेगा, आप ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आप कम्युनिकेशन भी मेरे साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको अमरेंद्र कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे तो आपको अनअकैडमी के ऐप पे भी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, कोर्सेज आप देख सकते हैं, 15,519 से भी ज़्यादा कोर्स अनअकैडमी आपको अवेलेबल कराती है। पॉलिटी में कुल 15 कोर्स अपकमिंग हैं, ज्योग्राफी में 20 कोर्सेज हैं, साइंस में 7 कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी में 4 अपकमिंग हैं, हिस्ट्री में 20 कोर्स अपकमिंग हैं, ऑप्शनल में 9 अपकमिंग कोर्स है, इसमें मेरा कोर्स जुड़ा हुआ है ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट में 7 कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज आपके अपकमिंग हैं, आप जैसे ही प्लस कोर्स पे आते हैं या आइकॉनिक पे आते हैं ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। एक बड़ी समस्या आप लोगों की होती है ऑप्शनल की, अनअकैडमी ने पिछले 2 महीना पहले आपका ये भी जो समस्या थी इसको दूर कर दिया। अनअकैडमी ने अलग से ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्रिप्शन खोल दिया है, अब आप केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे अगर आप PSIR पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसे विषय के रूप में रखना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट विषय के रूप में रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो फी है 1 ईयर की फी है 27,500, लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे अमरेंद्र AMREND RA, वैसे ही इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको देखिए मिल जाएगा और फीस घटकर हो जाएगी 24,750। ठीक है, जनरली लोग 1 साल के ऑप्शनल को प्रमोट करते हैं, मैं 1 साल के साथ ही साथ 6 महीने को भी प्रमोट करता हूं कि कोई स्टूडेंट अगर 6 महीने में अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना चाहता है तो मैं आपका ऑप्शनल 6 महीने में भी कंप्लीट करा दूंगा। मैंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, इस तरीके से मैंने कोर्स अपना लॉन्च किया हुआ है कि 6 महीने में भी आप कंप्लीट ऑप्शनल कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र होगी 20,250 रुपये। जनरली ऑफलाइन अगर आप बात करेंगे तो इन कोर्सेज की फीस लगभग 35,000 प्लस GST के आसपास जाता है, तो 40,000 38,000 के आसपास ऑप्शनल का लगता है, वो भी 6 मंथ के लिए। ऐसे में अनअकैडमी आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रही है और मात्र 24,750 रुपये में। ध्यान रखिए ये साल भर का है, साथ ही साथ एक और फायदा है, जब आप ऑफलाइन पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है किसी एक टीचर से 6 महीना आपको पढ़ना होता है वो पूरे कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में अगर 8 लोग हैं तो 8ों लोगों को आप देख सकते हैं, किसी का सेगमेंट अगर कोई आपको थोड़ा कम लगे तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए आप दूसरे का भी उस सेगमेंट को देख सकते हैं, ये फायदा है अनअकैडमी का। तो आई होप कि अगर आप ऑप्शनल, और ऑप्शनल बिना मार्गदर्शन के बिना टीचर के कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए भले ही GS में आप एक बार ट्राई कर लें कि आप अनअकैडमी के फ्री ऐप से या अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ लें, लेकिन ऑप्शनल के लिए आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए अनअकैडमी को आप लोगों के लिए। इसके लिए अलावा देखिए ढेर सारे बैचेस जो हैं अनअकैडमी के लिए यहाँ पर चल रहे हैं, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहली बार इतना समय दिया अनअकैडमी पे कि आप चीज़ों को एग्जैक्टली समझ पाएंगे, क्या डिफरेंस है, अनअकैडमी क्या कुछ ज़्यादा आपके लिए करता है। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल का प्लस है आपका, प्लस आइकॉनिक है, और इसकी 12 महीने की फीस 88,705 रुपये है। 88,705 रुपये है, इसका मतलब है कि अगर आप कॉम्बो पैकेज लेना चाहते हैं, आइकॉनिक के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो कुल जो फीस है वो 88,750, मतलब कंप्लीट कुछ भी नहीं बाकी है। इसके बाद अगर ये पैकेज आप ले लेते हैं, इसमें फीड पर्सनल फीडबैक बाकी चीज़ें शामिल हैं, अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि इससे थोड़ी फीस आपकी कम हो जाए तो आप देखिए 70,103 पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, प्लस ऑप्शनल मिल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शनल भी मतलब ऐसा, ये तो पैकेज आंख मूंद के आपको ले लेना चाहिए, ऑप्शनल सोचते रहना आप, कोई भी ऑप्शनल आप सोचेंगे ठीक है ना, इस पैकेज का आप एडमिशन करा लें, इसके बाद आप कोई ऑप्शनल सोचें। जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत बार ऑप्शनल के लिए दुविधा में रहते हैं, फिर सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, फिर उसकी कोचिंग लें। तो देखिए अनअकैडमी आपको सोचने को की पूरी छूट दे रहा है कि आप ये सोचो मत ऑप्शनल क्या लेना है, आप एडमिशन ले लो कम्बो पैक वाला जिसमें GSB आपका हो रहा है, साथ ही साथ आपका ऑप्शनल भी हो रहा है, और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आप क्या लेंगे ये बाद में भी डिसाइड करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अनअकैडमी तो आपको ऑप्शनल चूज कराने में बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट कर रहा है, आपने जैसे ही ये ले लिया तो आपके लिए सारे ऑप्शनल की क्लासेस खुल गई,
अब आपको लगता है कि सोशियोलॉजी कैसा है, तो 4, 5, 6 डेमो लो सोशियोलॉजी के आप। आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस कैसा है, आप पॉलिटिकल साइंस के डेमो लो। आपको लगता है हिंदी लिटरेचर कैसा है, आप उसका डेमो लो। आपको लगता है ज्योग्राफी ठीक रहेगा, ज्योग्राफी का डेमो लो। मतलब 1 महीने 1.5 महीने केवल आप क्लासेस लेते रहो, पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, है ना, सबको। और पूरा सिलेबस देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में टीचरों की अवेलेबिलिटी अच्छी है, कौन सा सब्जेक्ट नंबर अच्छा दे रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और किस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा जीएस में, जो जीएस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कॉपरेशन मिल रहा है, तो आप विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो ज़्यादा सरल हो जाता है अगर आप 70,103 रुपया दे के कंप्लीट पैकेज आप ले लेते हैं। एक बार आप सोचेंगे कि सर इस कंप्लीट पैकेज में क्या क्या होगा, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस कंप्लीट पैकेज में देखिए, आपके पास प्रिलिम्स होगा, प्रिलिम्स प्रिलिम्स का कंप्लीट जीएस होगा, प्लस सी सेट होगा। अब ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे जनरली आप अगर ये पूरा कोर्स लेने कहीं भी जाते हैं, तो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। उसमें भी गारंटी नहीं है कि विद इन टाइम कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं होगा। अनअकैडमी आपको रिकॉर्डेड सेशन भी देती है, लाइव सेशन भी देती है, गारंटी है कि आपका सिलेबस एक बार नहीं, इतने महीने में तो 2 बार हो जाएगा। प्रिलिम्स के लिए देखिए, आप जीएस ले पाते हैं, सी सेट ले पाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रिलिम्स की बात करें, तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस है, जो आंसर राइटिंग, एक तो लाइव प्रैक्टिस आप कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसके अलावा जो पुरानी प्रैक्टिस के सीरीज हैं, आप उसको कर पाते हैं, उसको कर पाते हैं। और ये प्रैक्टिस आपका जीएस का भी होता है, प्लस सी सेट का भी होता है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, उसको भी आप यहाँ पर दे पाते हैं। तो ये प्रिलिम्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, करंट अफेयर्स की सबसे ज़्यादा क्लास, सबसे ज़्यादा क्लास, सबसे ज़्यादा टीचर अगर आपको कहीं उपलब्ध होंगे, तो अनअकैडमी के ऐप पे या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होंगे। इसके बाद दिन जब आप मेंस में जाते हैं, मेंस में, और ध्यान रखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों की पीडीएफ भी उपलब्ध होती है, मतलब एज ए नोट्स भी आपको उपलब्ध होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, उसको प्रिंट करा लें तो हार्ड कॉपी भी हो जाती है। मेंस की बात करें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, इन चारों पेपर के लिए आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में टीम है। इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी, ध्यान रखिएगा कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और ये सब ऑफलाइन के भी टॉप एजुकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसी का आपने नाम सुना है, अनअकैडमी पर सर्च करिए, उनकी क्लासेज आपको जरूर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से मेंस में फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ उपलब्ध होती है, पूरी क्लासेज उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इसका मेंस का टेस्ट आप दे पाते हैं, इवेल्युएट करा पाते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा आपके पास बचता है ऐसे ऐसे राइटिंग, बहुत सारी क्लासेज जहाँ पे ऐसे राइटिंग की होती है। इंटरव्यू मार्गदर्शन भी अब आपको लाइव दिया जा रहा है, जूम मीटिंग के माध्यम से आपको लिंक भेजा जाता है, और उसका ऑनलाइन इंटरव्यू भी अब आपको कराया जाना शुरू कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसी चीज़, इसके अलावा कंपलसरी हिंदी आपको पढ़ना है, उसकी भी उपलब्धता है, कंपलसरी अंग्रेजी आपको पढ़ना है, उसकी भी उपलब्धता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी एक यूपीएससी के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, यूपीएससी के लिए जितना भी आपको पूरी कंप्लीट पैकेज चाहिए, जिसमें कोई भी एक पक्ष ना छूटे, आपका कंप्लीट पैकेज, मतलब कंप्लीट पैकेज, तो 70,103 का ये कंप्लीट पैकेज है आपका। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी छोटी सी चीज़ों से लेकर, एक छोटे से टेस्ट से लेकर, एक पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर, और होल जो प्रिपरेशन है उसको कराने का प्रयास करती है, कराती है। तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस कोर्स के साथ, इस व्यवस्था के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के साथ ही अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी, पहले कभी मैंने इतना समय नहीं लिया, आज आपको अच्छी लगी होगी, और इसके माध्यम से आप आगे एक विजन बना पाओगे कि अनअकैडमी के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल, अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग राज्यपाल। राज्यपाल के संबंध में अगर हम लोग बात करें, तो मैंने पहले भी बताया कि जो राज्यपाल की व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों या अधिकारों को
को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण है या राज्यपाल ज्यादा शक्तिशाली, दोनों में से कौन है? तो हम लोग उत्तर देते हैं राज्यपाल। क्यों राज्यपाल को उत्तर देते हैं? क्योंकि राज्यपाल के पास वो सारी शक्तियां प्राप्त हैं जैसी राष्ट्रपति के पास प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल के पास एक अलग से शक्ति प्राप्त है, वो है विवेकाधीन शक्तियां, है ना, विवेकाधीन शक्तियां या स्वविवेकी शक्तियां, जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति हमेशा कार्य जो है अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन करता है और उसके सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य है। वहीं राज्यपाल बहुत सारे मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और बहुत सारे मामलों में तो उसके लिए प्रावधान भी नहीं है। वो लोकतंत्र की प्रकृति के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लेता है और बहुत तो संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यपाल को अधिकार देते हैं कि वो स्वविवेक से अपना निर्णय लें। तो ऐसी कंडीशन में अधिकारों के उपभोग, शक्तियों के प्रयोग को लेकर हम राष्ट्रपति से ज़्यादा मजबूत राज्यपाल को देखते हैं। राज्यपाल की जो कंडीशन है वो ठीक उसी तरीके से राज्यों में है जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति का है। राज्यों में राज्यपालों की स्थिति वैसी ही है जैसी केंद्र में राष्ट्रपति है, ठीक है ना। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति। बस अंतर ये है कि जो केंद्र का राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड है, और जो राज्यपाल है ये अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे राज्यपाल पे। हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत और हम लोग एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रीडिंग लगाते समय देखते हैं कि राज्यपाल के संबंध में एम लक्ष्मीकांत ने कौन कौन सी बातें लिखी हैं। जो बातें लक्ष्मीकांत ने नहीं लिखी होगी उस बातों को मैं अपनी तरफ से जोड़ता चलूंगा, ठीक है ना। देखिए, भारत के संविधान में राज्य सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे केंद्र के लिए, ठीक है। मतलब हमारे पास केंद्र सरकार का जैसा स्ट्रक्चर है राज्य सरकार का भी वैसा है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका है, तो हमारे राज्य सरकार में भी केंद्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका है। उदाहरण के लिए, संसद सेंट्रल में संसद है, सेंट्रल में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है। तो ठीक इसी तरीके से स्टेट में हमारे पास राज्यपाल है, ठीक इसी तरीके से स्टेट में हमारे पास मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है, स्टेट में हमारे पास विधानमंडल है और स्टेट में हमारे पास हाई कोर्ट है। तो लगभग लगभग जो तीन अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सेंट्रल के पास है, वैसे ही तीन अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका हमारे राज्यों के पास भी है, जो बताने का ये लाइन प्रयास कर रहा है। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक बात है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक जैसी व्यवस्था में हो, दो सरकारें, उसे हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, ठीक बात है। संविधान का जो पांचवा भाग है वो केंद्र के शासन से संबंधित है, जो छठा भाग है वो राज्य के शासन से संबंधित है, सातवें में कुछ नहीं है, आठवां भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, नवां भाग स्थानीय पंचायत से रिलेटेड है, और दसवां भाग जो विशेष अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उससे रिलेटेड है। इतने प्रशासन हैं अपने पास, मतलब भाग 5 से लेके भाग 10 तक केवल प्रशासन के अलग अलग स्वरूप ही बताए गए हैं। बिल्कुल बातों पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है, ठीक बात है, अभी भी ये जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की बात जो है वो भाग 8 में लागू होती है, ठीक है। इसे विशेष दर्जा प्राप्त था, अब ये विशेष दर्जा हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है और जम्मू कश्मीर के साथ काट के अलग से लद्दाख बना दिया गया है। संविधान के छठे भाग की शुरुआत जो है आर्टिकल 153 से होती है और 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हालांकि 153 से नहीं होती, 152 से ही हो जाती है, 152 भाग 6 राज्य सरकार की बात है। 153 से हमारा राज्यपाल आ जाता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। तो सबसे पहले, चूंकि राज्य सरकार में कार्यपालिका पढ़नी है हमें, कार्यपालिका, तो हम देख लेते हैं कि कार्यपालिका में राज्य सरकार में पढ़ते हैं हम किसको है। तो भारत में अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो दो प्रकार की कार्यपालिका हमें देखने को मिलेगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। नाम मात्र के कार्यपालिका के अंतर्गत हमें राज्यपाल पढ़ना है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत हमें मुख्यमंत्री सहित उसका मंत्रिपरिषद पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ना है, ठीक है। तो राज्यपाल देखिए 153 से शुरू है, ये अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, 153 राज्यपाल,
राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। इन्हें हम राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा मानते हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता और केंद्र में, जबकि केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के नीचे, क्या वैसे ही राज्यपाल के नीचे उपराज्यपाल होता है, तो हम कहेंगे उपराज्यपाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, उपराज्यपाल का जो पद होता है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है जो कि भाग 8 में है, न कि भाग 6 में। राज्यपाल का राज्य कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। जैसे केंद्र में एक संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ये लाइन याद रखिएगा, जब कभी पूछेगा बता सकते हैं कि वो उसकी प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इस तरह राज्यपाल की कार्यालय जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है, एक तो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में और एक राज्य सरकार के मुखिया के रूप में, ठीक है ना। दो कार्य निभाता है, एक केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल कार्य करता है राज्यों में, दूसरा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, औपचारिक प्रमुख के रूप में भी काम करता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान बनाया गया है, किंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 में थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्यपाल का राज्य का एक राज्यपाल हो, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। इवन ये भी कहा गया कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों का भी राज्यपाल हो सकता है। नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल न तो जनता द्वारा चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से, ये राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया से इसका चुनाव होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, अर्थात इसको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपने मन से इसको अपॉइंट करता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर लिखा है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए अगर कहीं लिखा हो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी गलत ना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, समझ रहे। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1969 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, इसको आप समझ लें। कई बार हम देखते हैं ऐसे पदाधिकारियों के बारे में हमें जानने को मिलता है कि उनके साथ लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति पदमुक्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम देख रहे थे कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत हो रहा था राज्यपाल, तो ऐसा प्रतीत होता था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन कोई पद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये व्याख्या दे दी कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन कोई पद नहीं है, रोजगार नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। अर्थात ऐसा पदाधिकारी जो किसी ऐसे पद से रिटायर हुआ है जो केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पे नहीं रह सकता, उसे राज्यपाल अगर नियुक्त किया जाए तो वो गलत नहीं होगा, मतलब वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है, यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा। पढ़कर लगता है कि केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन एक्चुअल में अधीन नहीं है। संविधान में वैध मताधिकार के तहत राज्यपाल का निर्वाचन की बात उठी थी, जब संविधान सभा जो हमारी थी वहां पर यह बात उठी थी कि हम राज्यपाल का निर्वाचन क्यों न करते हैं। संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही बाद में अपनाया। ऐसा संविधान सभा ने क्यों किया, इसके पीछे संविधान सभा ने क्या तर्क दिए, वो हम देख लेते हैं। संविधान सभा ने बताया कि राज्यपाल का अगर सीधा निर्वाचन किया जाए, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन अगर राज्य में किया जाए तो संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है, संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही अपने को बराबर मानने लगेंगे। तो ऐसे में जो नाम मात्र का कॉन्सेप्ट है, ये नाम मात्र का कॉन्सेप्ट अपने आप खराब हो जाएगा। ऐसे में जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था क्या कहती है? संसदीय व्यवस्था कहती है कि जो नाम मात्र का मुखिया है उसे वास्तविक कार्य नहीं दिए जाएंगे, और वास्तविक कार्य जो है वो वास्तविक कार्यपालिका करेगी। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच कोई टकराव नहीं है,
वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री और इनके बीच कोई तनाव न हो, इसलिए राज्यपाल को नाम मात्र का बनाने के लिए ही अपॉइंटेड बनाया गया है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर राज्यपाल वास्तविक मुखिया होता तो एक बार लगता भी है कि ढेर सारा पैसा और समय खर्च किया जाए, लेकिन चूंकि नाम मात्र का है तो इसके लिए इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरीके से वैयक्तिक मामला है, इसलिए इसे चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार का अभिकर्ता की दोहरी भूमिका में है। इसलिए जरूरी है कि पूरे जनता को उसमें इन्वॉल्व न किया जाए, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से मनोनीत कर दिया जाए, अपॉइंटेड कर दिया जाए। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, और हम ये चाहते हैं कि हम राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसका बैकग्राउंड तो राजनीतिक हो, लेकिन वो तात्कालिक रूप से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुका हो। तो संन्यास लेने का मतलब ही है कि वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो चुका हो। तो ऐसे में राज्यपाल का स्वाभाविक रूप से वो किसी दल से जुड़ा रहेगा, और दल से जुड़ा रहेगा तो निष्पक्ष और निस्वार्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए चूंकि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसे निष्पक्ष होना चाहिए, इसलिए सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका निर्वाचन नहीं किया जाता। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी, क्योंकि राज्यपाल में भी अलगाववाद की भावना, वो मुख्यमंत्री के बराबर अपने को समझेगा, लिहाजा दो गुट बन जाएंगे एक ही सरकार को, और वो सरकार जहां दोनों अभी तक सामंजस्य रूप से सरकार को चलाते हैं, एक दूसरे के खींचतान में सरकार का जो प्रशासन की जो प्रशासनिक अच्छी व्यवस्था है वो नहीं चल पाएगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा, क्योंकि हमारा जो संघ है उसका झुकाव कहीं न कहीं एकात्मकता की तरफ है, तो हम कहीं न कहीं केंद्र का नियंत्रण राज्य पर स्थापित करना चाहते हैं, तो ये एक उसमें बड़ी व्यवस्था है। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए भी ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल उसके लिए उम्मीदवार चुनाव लड़े, ठीक है ना, मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे के आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए भी जरूरी है कि एक उम्दा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही राज्यपाल बनाया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो ओछे प्रकृति का है, केवल राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर राज्यपाल न बन जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसा अपनाया। अर्थात अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य के राज्यपाल चुने जाते हैं, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, और हम लोगों ने कनाडा का मॉडल अपनाया, जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अब अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, आपका उत्तर होगा कनाडा से लिया है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को दो योग्यताएं निर्धारित की है, मतलब राज्यपाल बनने के लिए केवल दो योग्यताएं, एक तो आप जानते ही हैं भारत का नागरिक हो, और दूसरा बस इतना सा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी कोई योग्यता हमारा संविधान निर्धारित नहीं करता, है ना। देखिए, तीसरी कोई योग्यता हमारा संविधान नहीं निर्धारित करता। अब आगे कानून बनाकर इसके लिए जो बातें बताई गई हो वो बात इस पे लागू होती है। इन वर्षों के अतिरिक्त दो अन्य परंपराएं अब जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, मतलब उस राज्य का व्यक्ति वास उसी राज्य में राज्यपाल नहीं बनेगा जहाँ का वो निवासी है, मतलब बाहरी राज्य का व्यक्ति बन सकता है, वह उस राज्य से संबंधित न हो जहाँ उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। एक परंपरा ये है, और ये परंपरा ऐसे जनरेट नहीं हुई है। इस परंपरा के लिए जो केंद्र राज्य संबंध में सरकारी आयोग बना था, सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद ये परंपरा अब जुड़ गई है राज्यपाल की योग्यता के साथ। दूसरा क्या जुड़ा है, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करें, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया जाता है, दूसरे वाले का इस वाले का उल्लंघन ज्यादा हुआ है, पहले वाले का उल्लंघन कम देखने को मिलता है, ठीक है। राज्यपाल के पद की शर्तों की बात करें कि राज्यपाल का जो पद है उनके साथ शर्त क्या है, तो ध्यान रखिए उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राज्यपाल हमारा है उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होता है, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होता है।
यदि वही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो तो उसकी उपलब्धियां भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक के हिसाब से मिलते हैं। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों भत्तों में कमी नहीं किया जा सकता। इसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ना? इसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो 2008 तक इसका वेतन 1,10,000 था। 2016 से अब इसका वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है, मासिक 3.5 लाख रुपये। आगे, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उसने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही से सुनवाई में उन्मुक्ति प्राप्त होती है। वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप ही क्यों न हो, लेकिन ध्यान रखना, ये सारी जो उन्मुक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल मामलों में होती हैं, है ना, क्रिमिनल मामलों में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता, यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कार्यभार ग्रहण से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेना है, और शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करता है, देखिए, शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करता है कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित और सेवा में समर्पित करेगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। जनरली आप सोचते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाने का काम उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम है। उसकी अनुपस्थिति अगर सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो वो जो वरिष्ठम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाते, याद रखिएगा, याद रखिएगा। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्वों का निर्वहन करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल की पदावधि, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो राज्यपाल है वो राज्यों में अपने पद पर तभी तक रहता है जब तक राष्ट्रपति का विश्वास बना रहे, जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद बना रहे, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहे। ठीक है ना, अगर राष्ट्रपति ने राज्यपाल को किसी कारणवश हटा दिया, प्रसाद देना बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले को हम न्यायपालिका ले जाएं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जांच करें कि राज्यपाल को हटाने का उचित कारण था या नहीं था। तो राष्ट्रपति का राज्यपाल पर प्रसाद पर्यंत जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है, अर्थात न्यायालय में उसके लिए नहीं जाया जा सकता। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यालय की निश्चितता, न तो वो कब तक बना रहेगा ये आवश्यक है, और ना ही कार्यकाल की सुरक्षा है कि कब तक उसे हटाया नहीं जाएगा या उसे हटाने के लिए कोई प्रक्रिया, मतलब राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं दी गई है। राष्ट्रपति ने कहा, राज्यपाल हट गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या इसका कोई कार्यकाल नहीं है? तो जनरली इसका सामान्यतः कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो पद है प्रसाद पर्यंत, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। अर्थात राष्ट्रपति का कहना ही राज्यपाल को हटाना, कोई प्रक्रिया नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसे हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है, उत्तर देंगे आप राज्यपाल, उत्तर देंगे महान्यायवादी, मतलब जितने भी प्रसाद पर्यंत विथ प्लेजर वाले पद हैं वो पद, जितने भी विथ प्लेजर वाले पद हैं वो, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं। इसलिए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1989 में उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अतः कुछ राज्यपालों को बदला गया था जबकि कुछ को बने रहने दिया गया था। ये सब केंद्र की के अनुकंपा पर आधारित होता है, न कि कोई प्रक्रिया कि राज्यपाल बना रहेगा। यह प्रक्रिया 1991 में फिर दोहराई गई जब नरसिम्हा राव आए, तो उन्होंने बीपी सिंह के द्वारा जितने भी चंद्रशेखर सरकार के द्वारा जितने भी 14 राज्यपालों को नियुक्त किया था बदल दिया गया। इसका मतलब राज्यपालों के पास अपने लिए कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं।
राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। किसी राज्यपाल को एक राज्य में 3 वर्ष तक राज्यपाल रह चुका है, चाहे तो वो 2 वर्ष के लिए किसी दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित कर दे। इस तरह राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसे राज्य या अन्य राज्य में दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अब परंपरा जनरेट हो गई है, अगर किसी राज्यपाल को दोबारा राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे उस राज्य में अब राज्यपाल नहीं रहने दिया जाता जहाँ पहले वो रहा है, उसका राज्य बदल दिया जाता है। ये भी एक परंपरा जनरेट हुई है। एक राज्यपाल 5 वर्ष अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पे बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। ठीक है, तो ये 5 वर्ष रह सकता है, उसके पहले भी उसके बाद भी। इसके पीछे तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा न हो। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को लगे कि कोई कार्य अनिवार्य है और उस कार्य का उल्लेख संविधान में नहीं है तो ऐसे में वो राज्यपालों के लिए ये उपबंध बना सकता है कि उस कार्य को राज्यपाल संपादित करें। जैसे वर्तमान में राज्यपाल का निधन, ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। अगर किसी राज्य में अचानक से राज्यपाल का निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है। तो जनरली राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का कार्यभार तात्कालिक रूप से सौंप दिया जाता है। उसके बाद राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके नए राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ये बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के संबंध में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति के पास है, अर्थात इसके पास भी विधायी शक्ति है, इसके पास भी कार्यपालकीय शक्ति है, इसके पास भी न्यायिक शक्ति है। हाँ, इसके पास ये अलग बात है कि इसके पास सलाहकारी शक्ति नहीं है, या इसके पास हम कह लें सेना से संबंधित सैनिक शक्ति नहीं है। हाँ, इसके पास भी वित्त शक्ति है, वित्तीय शक्ति है इसके पास भी है ना क्षमादान वाली न्यायिक शक्तियां हैं। लेकिन इसके पास एक शक्ति राष्ट्रपति से ज्यादा है, वो है विवेकीय शक्ति, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। पढ़ते हैं, देखते हैं आगे लक्ष्मीकांत ने कितनी शक्तियां लिखी हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियों को धारण नहीं करता है, लेकिन इसके पास भी राष्ट्रपति जैसी मुख्य शक्तियां हैं। राज्यपाल शक्तियों का वर्णन निम्न रूप में किया गया है। देखिए, कार्यपालकीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। यहाँ तो इन्होंने विवेकी शक्ति तो लिखा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हमने बताया आपको। राज्य सरकार के कार्यपालकीय शक्ति देखें तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, ये एक बड़ी कार्यपालकीय शक्ति है। वह नियम बना सकता है कि कोई भी पत्र प्रपत्र कैसे हो, प्रमाणित कैसे हो, आदेश कैसे जाए, उनका ड्राफ्ट, उनका फॉर्मेट भी ये बना सकता है। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन विशेषकर को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों के का आवंटन हेतु नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति बात आ गई। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो सब और ये सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मुख्यमंत्री का पद हो या मंत्री परिषद के मंत्रियों का पद हो, ये सब उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होता है एक अलग से। जैसे छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, इन राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री होता है, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिहार में भी पहले होता था, लेकिन बिहार को 2006 में ऐसे व्यवस्था से, विशेष राज्य से बाहर कर दिया गया है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी नियुक्ति करता है, उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, जैसे महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता का पद, जो एडवोकेट जनरल है, इसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ध्यान रखिए, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को। महान्यायवादी का पारिश्रमिक कौन तय करता है? राष्ट्रपति। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं रुक रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, वो ध्यान में रहेगा। वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है।
और उसकी सेवा शर्तों और कार्यविधि को तय करता है। हालांकि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों में या विशेष परिस्थितियों में उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया को नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता। हटाने के लिए प्रक्रिया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। एक ये भी प्रावधान याद रखिएगा, हमारा जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, लेकिन हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों में किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी भी प्राप्त करता है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के जैसे हैं। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद उस पर संज्ञान ले लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उसके विचार की मांग कर सकता है या विचार करने के लिए कह सकता है। विधायी शक्तियों की बात कर लें हम लोग, तो लेजिस्लेचर पावर है उसको देख लें, तो राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसके पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और समापन करता है, सत्र का विघटन भी करता है। सत्र को आहूत करने का मतलब सेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है, और विघटन कभी बीच में ही अगर सरकार भंग करनी हो तो वो विघटन भी करता है कहने पे मुख्यमंत्री के। वह विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करता है। कोई भी अगर विधानसभा अभी चुनकर आई है तो विधानसभा की पहली बैठक को संबोधित करता है, और प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है, इसको बजट सत्र कहते हैं, उसमें भी संबोधन करता है। सब राष्ट्रपति वाले हैं। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों के बीच विचाराधीन विधेयकों पर किसी मामले पर संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसी भी सदस्य को कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करता है। ठीक है ना, राज्य विधान परिषद इसका मतलब जो एमएलसी हमारे यहाँ होते हैं, उन एमएलसी में जो 1/6 भाग है उनको कला साहित्य विज्ञान के लिए में जो विशेषज्ञ हो उनको नॉमिनेट करता है। देखिए, साहित्य विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में व्यवहारिक अनुभव हो उनको नॉमिनेट करता है। इसी तरीके का नॉमिनेशन राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों का करता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। अब आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति है वो अब नहीं की जाएगी। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। विधानसभा सदस्य की निर्हरता मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वो इसे हटा सकता है। जब दल बदल कानून लगेगा तब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है, उस पर वह अस्वीकार स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है, विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या वीटो कर सकता है या रोक सकता है जिसको। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः परिवर्तन विधेयक पर पास किया गया तो उसे वो अपनी स्वीकृति देनी होती है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये कुछ प्रावधान है जो विधायी शक्तियां उसके पास हैं। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थिति हो तो राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। कब सुरक्षित रखता है? ध्यान रखिए, सुरक्षित कब रखता है राज्यपाल? जब उसे लगता है कि अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, कोई ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, जो राज्य के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो उसको सुरक्षित रख लेता है, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो तब भी रख लेता है, राष्ट्रीय महत्व का हो तब भी सुरक्षित रख लेता है, और संविधान के अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो भी रख लेता है। तो ध्यान रखिए किन किन विधेयकों के कौन कौन सा स्वरूप हो जिस पर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो ये कुछ उदाहरण है जिसको आप देख सकते हैं। अगला, राज्य विधानमंडल का सत्र जब न चल रहा हो तो औपचारिक रूप से अध्यादेश, आर्टिकल 213, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213, राष्ट्रपति जारी करता है 123। इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए, और वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। वह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है अध्यादेश वाला। तो ये विधायी शक्तियां हैं। राज्य वह राज्य के लेखे से संबंधित राज्य का वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये आयोग अपनी रिपोर्ट एनुअली प्रतिवेदन बनाते हैं,
अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं, राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उसे विधानमंडल को दे देता है और विधानसभा के समक्ष ये रखवा देता है। वित्तीय शक्तियां देख लें, राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति जैसी कुछ वित्तीय शक्तियां हैं, जैसे ये सुनिश्चित करता है कि बजट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक की बात करें तो वो विधानसभा में लाया जाता है, लेकिन उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही आता है, बिना उसकी सहमति से किसी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं सारे अनुदान जो मांग होती है वो धन विधेयक होते हैं और मनी बिल बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के नहीं आते। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। अगर कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई आपातकाल पड़ गया, कोई ऐसी स्थिति पड़ गई तो आकस्मिक निधि से वो पैसा खर्च करा सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिकों की वित्तीय स्थिति के लिए हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है जो पंचायतों की समीक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था राज्यपाल से संबंधित बात, अधिकार शक्तियाँ। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, एक्चुअल में राज्यपाल किस रूप में है? तो संवैधानिक स्थिति राज्य के मुखिया के रूप में है। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र सरकार की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें उसे विवेकाधिकार दिया गया है। बहुत सारे मामले हैं जिनमें उसे विवेकाधिकार है, मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेनी होती। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए अनुच्छेद 154, 163, 164 उपबंध को समझा जा सकता है। जैसे राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, 154 में लिखा गया है, 153 में है राज्यपाल होगा, 154 में है कि सारी कार्यपाल की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान के समस्त कार्य सीधे या उसके द्वारा या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न किए जाएंगे, ऐसा 154 में लिखा गया है। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा 163 अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। 163 वैसा ही है जैसे 74 है, 74 में कहा गया है ना मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, ऐसा 163 में कहा गया है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में दो मामलों में भिन्न है, दो मामलों में भिन्न है। जैसे संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करें, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई है। मतलब विवेकी अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, केवल किसके पास है? राज्यपाल के पास। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी शक्तियां नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 76 में राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह बाध्यता तय कर दी गई है। मतलब जो हमारा राष्ट्रपति है वो तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, बाध्य है। और मान लो अगर सलाह एक नहीं मानता है, एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद उसे मानना ही होगा। लेकिन राज्यपाल के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरीके का कोई उपबंध नहीं है। तो दो मामलों में जो हमारा राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से मजबूत है। पहला, स्व विवेकीय शक्तियां, और दूसरा, मंत्री परिषद की बात मानने की बाध्यता नहीं, ठीक है, बाध्यता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। मतलब राज्यपाल ने जो निर्णय लिया वही निर्णय सही होगा, वही अंतिम होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं था, अर्थात उसने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय सही मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को अगर उसने आरक्षित कर लिया तो इसकी कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे, इसकी भी कोई न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है, लेकिन बाद में कुछ बातें थी जिसे जोड़ दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन। यदि सरकार में राज्य को विधानमंडल में अगर बहुमत के लिए नहीं कहा गया और सरकार राज्यपाल कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का, तो न्यायिक जांच हो सकती है। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में
बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय जो निर्णय लिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन के रॉयल्टी के रूप में जनजाति जिला परिषद को दी गई राशि का निर्धारण, ये सब स्वविवेक से है। राज्य के विधान परिषद प्रशासनिक मुख्यमंत्रियों से जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त संवैधानिक विशेषाधिकार के अतिरिक्त विवेकाधिकारों के बारे में और भी बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन निर्णय ले सकता है। यह सब निम्नलिखित से संबंधित है। देखें, विधानसभा में किसी दल को यदि बहुमत नहीं मिला या अचानक से कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री का निधन हो गया तो उससे निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में वो विवेकाधिकार से काम करता है। राज्य विधानसभा में अगर विश्वास मत हासिल न हो तो मंत्रिपरिषद को अपने विवेक से बर्खास्त कर सकता है या मंत्रिपरिषद को पुनः मौका दे दे कि वो अपना विश्वास हासिल करे। मंत्रिपरिषद के अल्पमत आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। ये इस प्रकार है, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, ये सब राज्यपाल करता है। नागालैंड में असम के जनजाति व्यवस्थाओं के लिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर थी। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आपके राज्यपाल से रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए, ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है राज्यपाल से संबंधित स्वविवेकी शक्तियाँ। मिलते हैं हम लोग फिर से अगली क्लास में। अनअकैडमी का देखिए सबमिट हो रहा है, सबमिट टू, ये सबमिट ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन 20 फरवरी 2021 को हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस पे जल्दी से रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करते समय रेफरल कोड जरूर डालें, अमरेंद्र, AMREND RA, अमरेंद्र, ये रेफरल कोड आप जरूर यूज करें। चलिए आगे मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। 28 तारीख को, 28 फरवरी को 11 AM पे आपका कॉम्बेट है, अमेजिंग प्राइस जीत सकते हैं आप, तो इसमें जरूर रजिस्टर करें। बस रजिस्टर करते समय यहाँ पर यूज कोड में अमरेंद्र, AMREND RA, अमरेंद्र को यूज करें, ये कोड जरूर यूज करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग।